आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। और जैसे कि मैंने आपको बुक रिकमेंड किया था, उसी बुक के हम कुछ पेजेस को बात करें, कुछ एग्जांपल को बात करेंगे। सबसे पहले इसने यहाँ पे बताया कि मल्टी सेट एरे फॉर्मूला के बारे में इसने बताया है कि मल्टी सेट एरे फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझने के लिए आप चलिए एक बार यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर है यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ इसकी बात, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स है, तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो जनरली आप लोग क्या करेंगे, एक को करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आप नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे। बट इसको एरे के थ्रू भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक बार में एक सिर्फ लिया है, क्योंकि मैनुअल फॉर्मूला का लिमिटेशन होता है कि एक बार में आप एक ही चीज को ले सके। ठीक है सर, लेकिन अगर हम बात करें एरे की, तो हम इसमें एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि मैं यहां पे लिया और इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर कर दिया, फिर भी रिजल्ट आ रहा है। तो आप एक साथ, आप ड्रैग ड्रैग करने का झंझट ना रख के एक साथ पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आप इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ कीजिए, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और यही चीज आपको बुक समझा रहा है कि यहाँ पे एक साथ हम एक पूरे सेल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एरे फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। तो इससे बेनिफिट, इस मेथड से बेनिफिट क्या हुआ सर, कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो जी सर, जी सर, इससे बेनिफिट आपको क्या नजर आ रहा है? अरे मल्टीपल जगह पे आउटपुट दे रहा है। जी हाँ, मल्टीपल जगह पे आउटपुट नहीं दे रहा है, मल्टीपल जगह पे आउटपुट देगा ही देगा। इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमें अलग अलग सेल की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और नई फॉर्मूला लगाने के बाद ड्रैग करना और उसकी जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट होता वो करना, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फायदा और होता है कि आप बीच में से किसी एक को ना डिलीट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। अगर डिलीट और चेंज होगा तो पूरा का पूरा होगा, समझ गए सर? अक्षित जी समझ में आया? जी सर। एक बेनिफिट आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ इसे समझाया उसको, अगर मान लीजिए कि ये तो चलो ठीक है, हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ा, बट इन सारे मुझे इन सारों का टोटल यहाँ करना है, टोटल करना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, वी नीड टू टोटल। तो हालांकि इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट का, सम प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन के लिए,
लेकिन हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सम प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है। हालांकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ करना होगा तभी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, डिवाइड है, प्लस है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन है, उस केस में तो हम सब प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम इसी मेथड का यूज करेंगे जो कि अभी हमने एरे में किया है कि हम जो हमने दिया था ना इसको सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय इसको सिलेक्ट किया, ये जो फॉर्मूला इससे पहले यहाँ ऊपर लगा हुआ था उसी फॉर्मूले को सम के अंदर में रख देंगे। ठीक है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज को समझिए कि आप सम में रखने के बाद रिजल्ट आ रहा है लेकिन हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट क्यों नहीं आता है, तब रिजल्ट क्यों नहीं आता है? बेसिकली रिजल्ट ना आने का कारण है, कारण है क्योंकि जब आप इसको फॉर्मूला एवलेट करोगे जिसको पूरी तरह समझिए क्योंकि एक कंसेप्ट है समझना जरूरी है यहाँ, तो यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई में किया तो इसको रिजल्ट मिल रहा है लेकिन क्या होता है कि स्पेशल रूल ये कहता है कि वो किसी एक सेल की वैल्यू को किसी एक सेल में ही लिंक कर सकता है। तो यहाँ जब हमने रेंज दिया, एक रेंज दिया A1 से A15, तो इसने सीक्वेंस से पहला है उसने पहले को ही किया, दूसरा आगा दूसरे तीसरा या तीसरे करेगा वो पूरे को नहीं दिखा सकता क्योंकि पूरे को दिखाने का सेल वैल्यू का रूल नहीं है कि एक सेल पे कई सारे सेल वैल्यू दिखाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ एक सेल पे कई सारे सेल वैल्यू की कैलकुलेशन दिखाई जा सकती है जो कि आपका सम कर रहा है। ठीक है सर, डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बुक में अगला पार्ट को समझते क्या है, तो इसने भी देखिए मैंने सम प्रोडक्ट की बात की तो यहां पे इसने सम प्रोडक्ट की बात किया हुआ है। और उसी चीज को इसने यहां पे समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इंडिविजुअल, यहां पे देखिए इसने इंडिविजुअल यहां पे वन बाय वन इसने इंडिविजुअल। अब इसमें एक चीज और आता है कि मुझे यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीज है, अब क्या नंबर से मैं हर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ओनली फॉर वन नंबर, तो मैं इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए 50 कर रहा हूँ तो ऐसा भी किया जा सकता है। इक्वल प्लीज म्यूट कर लीजिए किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, विक्की जायसवाल जी आप यहाँ से आए काफी लेट हो गया। फिर मैंने इसको कंट्रोल से एंटर किया तो यहाँ देखिए अलग अलग आ रहा है, और इसको भी अगर टोटल करना है तो हम सम में ले सकते हैं। तो करने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस बना रहे, आप यहाँ पे किसी एक को भी किसी एक से भी या एक से ज्यादा से भी मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं। यही चीज आपको बुक में यहाँ पे समझाया हुआ है। और इस तरह से और भी फॉर्मूला से मैक्सिमम मिनिमम ऐसे फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बी लुक का वाले एग्जांपल में समझाया था कि यहाँ पे कॉमा और सेमी कॉलन रो के लिए होता है, कॉमा कॉलन के लिए होता है, तो यहाँ पे इसने टू डायमेंशनल एरे के बारे में बताया हुआ है। और वी लुक का वाला एग्जांपल यहाँ पे नेमिंग मेथड लेके और वी लुक अप के अंदर जो इसने डाला हुआ है वो इसमें यूज किए हुए है। देखे था या
अच्छा यहाँ पे इसमें है कहीं भी एग्जाम्पल, मैंने देखा था उस दिन पहले। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे रिटर्न एरे में आप इस तरह से जैसे फोरकास्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ग्रोथ हो गया, इस जैसे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए आप एरे फॉर्मूला दो एरे फॉर्मूला है, कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो मर्जी रख ले, कैलकुलेशन में आप वही फॉर्मूला रखना है जो फॉर्मूला का रिजल्ट नंबर आता है, याद रखिएगा। तो जो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है हम उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे कुछ नंबर से डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर रखा और कहीं कहीं पे जीरो रख दिया, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इससे, माने डिवाइड करके मुझे इसका टोटल लेना है, तो आप देखेंगे कि कहीं कई जगहों पे रिजल्ट आपको एरर मिलेगा क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर इसको सम या कोई और करते हैं आप, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो इसके लिए तो मैंने 2016 में हमारे पास एग्रीगेट का फॉर्मूला आ गया था, बट 2016 से पहले तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होता था कि इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊं और फिर इसके जगह पे जीरो करूं ताकि एरर के जगह पे जीरो आए, फिर उसका हम टोटल करें, तो टोटल आता। लेकिन हम इसको एक साथ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सम इफ एरर और फिर हम इसको सेलेक्ट करें एंड कॉमा जीरो। लेकिन परफॉर्म कब करेगा, जब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आपका परफॉर्म करेगा। इस तरह से आपको आप इसकी मैक्सिमम निकालना है, तो इसमें आप मैक्सिमम में आप यहाँ पे मैक्स और फिर यहाँ पे आप इफ एरर और इफ एरर में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो कर दिया, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहाँ पे रिजल्ट आया। ऐसे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ये सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं और बुक में इसने यही चीज यहाँ समझाया हुआ है। ठीक है सर, अब जैसे कि इसमें एक चीज है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है काउंटिंग द नंबर ऑफ एरर इन द वैल्यू इन रेंज। आप कैसे करें, क्या है मतलब, मुझे कि इस रेंज में मुझे काउंट करना है कि नंबर ऑफ एरर कितने हैं। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे, अब इसके लिए काउंटिंग आप बोलोगे सर काउंट का फॉर्मूला ले लें, जरूरी नहीं काउंट का फॉर्मूला लेना, हम सम का फॉर्मूला ले सकते हैं। सम, सम में हमने यहाँ पे अपने सम का फॉर्मूला कैसे लेंगे, सम के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे इज एरर नाम का फॉर्मूला है उसको लगाया। इज एरर क्या करता है रक्षित जी, रक्षित जी, इज एरर क्या करता है सर, अगर नंबर होता है तो शायद वैल्यू ऐसी कुछ नहीं, अगर किसी भी तरह का एरर हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, समझ गए। तो बट इसने यहाँ पे मैंने इसको किया तो वन दिया, अगर लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो जीरो रिजल्ट दे रहा है। अब इसको एवेलेट कीजिए तो पता चलेगा ऐसा क्या हो रहा है। तो इस एरर ने जहां जहां एरर था वहां वहां ट्रू और जहां जहां एरर नहीं था नंबर था वहां वहां उसने फॉल्स दे दिया, लेकिन सम तो ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है क्या,
तो हम यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन की क्लास को याद करेंगे जहां मैंने आपको बताया था कि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट हाउ कैन यहाँ पे कैसे, क्योंकि सम तो ट्रू एंड फॉल्स को लेता नहीं, तो हाउ कैन कन्वर्ट द ट्रू इक्वल टू ट्रू टू ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो। सो सिंपली हियर हम मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय वन, देन कंट्रोल सेव एंटर, वी गॉट द रिजल्ट हियर। क्या हुआ यहाँ पे देखो कि जहां जहां ट्रू था उसने मल्टीप्लाई बाय वन किया तो यहाँ वन हो गया, और फॉल्स जीरो है तो सिंपल सी बात है जीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप किसी भी नंबर से, तो सिंपल सी बात है जीरो या मल्टीप्लाई होता है जी सर। तो यहाँ पे हमारा और सम वन को सम कर दिया, तो यहाँ पे काउंट इफ जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हम डू द सिंपल, हम लोग क्या करते हैं एरे में जो यूज करते हैं तो हम सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेशन को दूर रखें, क्योंकि एरे खुद ब खुद एक कॉम्प्लिकेटेड है और आपका बहुत ही मतलब कि नॉर्मल फॉर्मूला के मुकाबले बहुत ही स्लो काम करता है, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे तो और ज्यादा स्लो काम करेगा। सो उसमें आपको चूज करना होता है सिंपल फॉर्मूला, राइट। अब देखिए बुक में इसने क्या यूज किया हुआ है, बुक में हाँ बुक में भी इसने सेम इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए कि सम इज एरर, यहाँ भी इसने बोला हुआ है कि सम मैं यहाँ पे इज एरर के साथ भी कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाया हुआ है, याद दिख रहा है ना आपको सर, थोड़ा बड़ा जूम कर दो, इसने इफ फॉर्मूला भी लगाया हुआ है कि इफ इज एरर कॉमा वन, अगर ट्रू हुआ तो वन दे दे, या हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो ये भी बुक भी आपका कह रहा है, राइट सर जी। अब यहां पे आता है कि समिंग इन द nth नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे एक फॉर्मूला आप यहां पे देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, मुझे इसमें से टॉप थ्री फॉर्मूले टॉप थ्री को सम करना, ठीक है। देखो बुक देखते हैं बुक ने क्या किया हुआ है, अच्छा इसने रो इंडेक्स वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको सिंपली समझाता हूँ कैसे कैसे होगा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लार्ज का, लार्ज फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है कि आप इस एरिया को सिलेक्ट करें और बोले कि मुझे पहला नंबर चाहिए तो पहले नंबर की टोटल आ जाए, मैक्सिमम आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पहले स्थान पे क्या है, जैसे पहले स्थान पे 96 किया क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 96 है, फिर अगर मैं वन को अगर टू कर दिया तो 96 के बाद कौन सा है 85, और फिर ट्रू के बाद अगर मैंने थ्री कर दिया, ट्रू के बाद अगर थ्री कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 85, मतलब कि 96 85 85, फिर उसको सम करेगा क्योंकि 85 यहाँ दो बार, ठीक है, अलग अलग करके भी सम करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम इसको एरे फॉर्मेट में डालें, हम इसको डालेंगे सम, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन अमाउंट ही बाहर दिखेगा क्योंकि लास्ट तो एक बार में एक ही रिजल्ट देगा ना सर। यहाँ पे 1, 2, 3 और VBA के लूप की तरह इसको तोड़ दिया हम, और यहाँ पे आप दो नंबर आ गए, अगर आप फंक्शन को एवलेट करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ऐसे कैसे होगा। तो ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 लिखा, इससे लार्ज फॉर्मूला लूप में तीन बार टूट के तीन डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिया, पहले बार में पहले का रिजल्ट दिया, दूसरे बार में दूसरे का, और तीसरे बार में तीसरे, जैसे कि बीबीए में लूप यू वगैरह या फिर में लूप इस्तेमाल करते हैं वही लूप यहाँ पे चला। सर अगर हमें खाली तीन नंबर शो करने हो डायरेक्ट, मतलब हम चाह रहे हैं तीन नंबर लिख के आ जाए तो कैसे होगा, सब नहीं करना है जब लिख के आना है तो आप इसको तीनों के इकट्ठा सिलेक्ट कर लो, लार्ज इसको सिलेक्ट करो एंड कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 एंड कंट्रोल सेव एंटर,
अच्छा, नहीं आ गया नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने कॉमा कॉमा कॉलन के लिए होता है, तो कॉलन बाई जगह में कंट्रोल सी एंटर मारता तो रिजल्ट हमारा आ जाता, लेकिन हमने कंट्रोल सी एंटर किस मारा है, रो वाइज मारा है ना, तो हमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा, पेन कंट्रोल सी एंटर। अब देखिए रिजल्ट आ गया। आप बोलेंगे सर इसको एक ही सेल के अंदर चाहिए, तो ये सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपको टेक्स्ट जो है सपोर्ट करता है, ऐसे ही एरे सपोर्ट करता है सिर्फ नंबर को, ना कि टेक्स्ट। ठीक है, उसका यानी एरे का फाइनल रिजल्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप बुक को आगे लेके और फॉर्मेटिंग कीजिए, कंटिन्यू कीजिए प्रैक्टिस को, कल हम आपको उसी से आगे की कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे। तो बुक के आगे जो एग्जाम्पल आप लोग करके मुझे भेजिए, ताकि मैं कल उस एग्जाम्पल को स्किप करके आगे बढ़े।